नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला T20 मैच, भारत शर्मनाक तरीके से हार गया और इस मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी विवादित बयान दे दिया और उन्होंने हार के लिए तीनों विकेट कीपर को दोष ठहरा दिया। दरअसल रोहित शर्मा का कहना था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना था कि टीम में कौन सा विकेट कीपर बेहतर रहेगा और उसी लिए उन्होंने ये तीनों को एक ही साथ एक ही मैच में खिला दिया। आपको बता दें कि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक तीनों एक साथ खेल रहे थे और इन तीनों को खिलाने के चक्कर गेंदबाजी में कमी आई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जमकर धुनाई की और निर्धारित 20 ओवरों में 219 रन बना डाले। लेकिन जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ये सोच रही होगी कि उनका बल्लेबाजी क्रम लंबा था और 8 नंबर तक ऑलराउंडर खेल रहे थे तो शायद जीत जाए। छोटा ग्राउंड होने के बावजूद भी टीम इंडिया इस मैच को बुरी तरीके से हार गई और हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा का दर्द साफ झलका और उनका कहना था कि टीम मैनेजमेंट का और उनका भी थोड़ा बहुत इसमें हाथ था कि तीन विकेट कीपरों को एक साथ खिलाया जाए, लेकिन हमारा ये डिसीजन गलत साबित हुआ कि हमने तीनों को एक साथ खिला लिया और यही टीम इंडिया भारी पड़ा और टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। लेकिन हम इस मैच की हार के बाद आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि इन तीनों विकेट कीपर में से आप किसको टीम में देखना चाहते हैं? आप दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी या फिर ऋषभ पंत में से किसको टीम में देखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में पंत, धोनी या कार्तिक लिखकर बताएं।